So good morning students, we have finished with the chapter quadrilaterals. One question, last question is there that we will discuss when we will revise that. So today we are going to start with the revision and we are going to start the revision of this chapter only, quadrilaterals ki. Theek hai? अभी अभी हमने ये चैप्टर किया है, इसको रिवाइज करेंगे. ठीक है, लिंक बना हुआ है तो आपको फिर अच्छे से चीजें याद रहेंगी. ठीक है बेटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन इन दिस चैप्टर वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीगन्स. ठीक है, पॉलीगन आपको पता होना चाहिए कि सिक्स साइडेड फिगर को क्या बोलते हैं. एट सेवन एट हेक्सागन, सेवन को हेप्टागन, एट को ऑक्टागन, नाइन को नोनागन, टेन को डेकागन, ट्वेल्व को दो डेकागन इनकेस आ जाए. ठीक है, इट इज जनरल. इसके अलावा कोई और साइडेड फिगर के नेम्स ऐसे हमारे सिलेबस में ऐसे नहीं, अभी तक इस लेवल पे हमने नहीं करने. देन बेटा वी हैव पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन. Regular means in which all the sides as well as all the angles are equal. फिर हमारे पास angle sum property of quadrilateral है कि quadrilateral के चारों angles का sum क्या होता है 360. This is basic, general. ठीक है. After that there are two types of polygons, convex polygon and concave polygon. Convex और concave की differentiation आपने ऐसे याद रखनी है कि जो convex polygon है, listen to me again. जो कन्वेक्स पॉलीगन है बेटा उसमें जो सारे अंदर वाले एंगल्स होते हैं उन सारे अंदर वाले एंगल्स इंटीरियर एंगल्स ऑल आर लेस देन 180. ईच एंगल ऑल आर नहीं, मतलब हर एक एंगल का मेजरमेंट 180 से कम है. अगर आपके पास कोई ऐसा पॉलीगन है आपने बना दिया किसी तरह से भी, कोई भी पॉलीगन एनी नंबर ऑफ साइड्स, अगर उसके अंदर वाले एंगल्स if the measurement is less than 180 then it is a convex polygon. और इसमें आप देखोगे जितने भी ये जो diagonal अंदर बनते हैं और ठीक है इसमें जो diagonals होते हैं वो अंदर बनते हैं figure पे. और basically angles वाला concept याद रखना है. और concave में क्या होता है कि कम से कम एक angle जो होता है that is more than 180. At least one of the internal angle is greater than 180. Concave में क्या होता है कि मान लो बाकी कोई सारे कितने भी angles हैं, छह angles हैं अंदर के, पांच less than 180 है, लेकिन अगर एक angle भी 180 से बड़ा है then that is a concave polygon. ये भी 180 से छोटा, ये भी but this is greater than 180, so this is a concave polygon. इसमें ये देखो ये वर्टेक्स है बाहर को ज्वाइन हो रहा है. यस प्रबल. मैम 11 साइडेड फिगर को मैम हेंडेकागन कहते हैं ना? इसको मैम 11 साइडेड फिगर को हेंडेकागन कहते हैं ना? वो नेट पे देखना पड़ेगा बेटे, नेट पे देख लेना आप, हमारी बुक में नहीं है और मुझे ऐसे सच नहीं ध्यान में. इस वक्त देख लेके कंफर्म कर लेंगे. सारे बच्चे देखना व्हाट इज द नेम ऑफ 11 साइडेड पॉलीगन. अभी नहीं देखना है, घर पे बैठे फोन चलाने लग जाएंगे वो देखने के लिए लेटर. उसके बाद बेटा नाउ देयर आर सर्टेन फॉर्मूलास व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन व्हिच यू विल बी गेटिंग द क्वेश्चंस. सिंपल पॉलीगन क्या है ये सारे तो इजी है क्वेश्चन. सबसे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट मींस द फॉर्मूला, द लिस्ट ऑफ फॉर्मूलास व्हिच वी हैव रिटर्न, द फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन. तो हु विल टेल मी द फॉर्मूला? यस n into, आज बानी घर पे है, घर से हैंड रेज हो रहा है. हाँ बानी, n into n minus
plus 3 by 2. This you have to learn by heart. अच्छे से इसको learn करना है क्योंकि इसके basis पे question आने ही आने हैं. MCQ में आ जाते हैं, नहीं तो सिंपल सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है. Just one minute. Okay. By using this formula, you can find the number of diagonals in any polygon. N is the number of sides. अगर पूछे how many diagonals are there in a figure, whose sides are 25. N कितना है suppose? 25. तो 25 number of diagonals in a regular polygon. अगर regular नहीं भी होता तब भी diagonals उतने ही बनते हैं, तो इन पॉलीगन ही लिखो. डायगोनल रेगुलर नहीं भी हो तब भी डायगोनल उतने ही बनते हैं. एन 25 है तो हम 25 पुट करेंगे. व्हाटएवर आंसर यू विल गेट दैट मेनी डायगोनल्स विल बी देयर इन अ 25 साइडेड फिगर. ठीक है, एनी डाउट? 275. एक जनरल आपको बताया है, फॉर्मूला याद होगा, एन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो आप फाइंड कर सकते हो इजीली, राइट? आफ्टर दैट देयर इज फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन. Sum of, we are revising it all over again this chapter, beta. Now also, if you will not pay attention, it will be your loss then. Hanji Bani. Ma'am, iska answer hai n minus 2 multiply 180. N minus 2 into 180. Sum of interior angles. Of now this is the polygon is regular. नाउ बेटा, अगर आपने किसी भी रेगुलर पॉलीगन के अंदर वाले एंगल्स का सम निकालना है तो दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड वेयर एन इज नंबर ऑफ साइड्स. सपोज द क्वेश्चन इज व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ हेप्टागन. एक हेप्टागन है जिसमें एन हमारे पास कितना है? 7. पहले तो एन बड़े ध्यान से लिखना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, आपको क्या गिवन है, हेप्टागन है, हेक्सागन है, ऑक्टागन है, उसके हिसाब से एन ध्यान से लिखना है. Now I am talking about here heptagon means N 7. So what is the sum of interior angles of a heptagon? Very easy. We will write the formula. 7 minus 2 into 180. 5 into 180. 900. So heptagon ke interior angles ka sum kitna aega? 900. इसी तरह से हम किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल सकते हैं. अगर हमें एन पता है तो हम उसके अंदर वाले एंगल्स का सम भी निकाल सकते हैं. ठीक है, ओके. इसी फॉर्मूला के बेस पे ये क्वेश्चंस है बेटे. 3.1 के सेकेंड क्वेश्चन डायगोनल्स पूछ रहा है, फोर्थ में सबके एंगल्स पूछ रहा है, इंटीरियर एंगल्स. देखिए फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज 42 पेज पे. व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स. तो नंबर ऑफ साइड्स एन गिवन है आपको. सम ऑफ, सम मींस सम किसका है यहाँ पर? सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, सारा जोर मेरी बोतल पे लगा दिया.
नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा हमारे पास फॉर्मूला है, अच्छा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स तो आपको पता है, व्हाट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगन हो उसके जितनी मर्जी साइड हो अगर उसके बाहर वाले एंगल का प्लस करते हैं हमेशा क्या आएगा 360। द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज ऑलवेज 360। इंटीरियर के लिए फॉर्मूला, सारे बाहर वाले एंगल्स के सम के लिए आंसर क्या है 360। अब हमें निकालना है नेक्स्ट इज ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर, ये रेगुलर ईच एक्सटीरियर एंगल जब हम बात करते हैं ये रेगुलर पॉलीगन की ही करते हैं। सारा लिखा हुआ है, क्या लिख रहे हो बार बार? हाँ अच्छा, ईच एक्सटीरियर एंगल इज 360 बाय एन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन मींस क्या होता है, उसके अंदर वाले एंगल्स इक्वल, अगर अंदर वाले एंगल्स इक्वल हैं तो बाहर वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो कोई भी पॉलीगन है उसके बाहर वाले एंगल, कोई सपोज एन है 20, सपोज एन इज 20 साइडेड पॉलीगन का बाहर वाला एंगल कितना होगा हम कैसे बता सकते हैं? बाय द यूजिंग द फॉर्मूला 360 बाय 20 आंसर विल बी 18 ना? करवा तो रही हूं, करवाते। मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया कि मुझे ये बताओ कि आपके पास क्वेश्चन है बेटे 1 2, रेगुलर नहीं बना पाऊंगी मैं, जनरल बना रही हूँ 3 4 5 6 7। अब इसके जो बाहर एंगल्स है ऐसे, बाहर एंगल है ना सब बराबर है, व्हाट इज द मेजरमेंट, कैसे निकालेंगे? एन कितना है 7, तो ईच एक्सटीरियर एंगल इज 360 बाय 7। 7 5 35, 1 रिमाइंडर 10, 7 1 7, 3 रिमाइंडर 30, 51.4, 7 4 28, 20, 51.4, no, 51.42 समथिंग अप्रोक्सीमेट। वैसे ठीक है, वैसे हमेशा क्वेश्चन वही आता है जिसका एग्जैक्ट आंसर निकले। एंगल कैन बी इन डेसिमल्स, यस और नो? अगर हमारे पास 90 है तो 91 डिग्री भी हो सकता है, 92 डिग्री भी हो सकता है, 92.4 भी हो सकता है, 92.4 will lie between 92 and 93. So angles can be in decimal but the number of sides cannot be in decimal, right? So each exterior angle you can find. और हमें ये भी पता है, हमें देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, obviously because of linear pair. So each exterior angle plus each interior angle, इनका सम क्या होता है 180. I hope everyone is understanding what I am saying. इसी तरह से बेटा अगर कोई पॉलीगन है, एक तो होता है कि पॉलीगन के सारे एंगल्स का सम क्या है, जैसे मान लो ये 7-sided पॉलीगन है, इसके अंदर वाले सारे एंगल्स का टोटल सम क्या है, वो तो हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे, 900 आया 7-sided का। अब हर एक अंदर वाले एंगल का मेजरमेंट कितना है, व्हाट इज द मेजरमेंट, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी था, n into n n minus 2 into 180 over n. देखो लास्ट में करवाया, see n minus 2 into 180 over n.
एनीवन कैन टेल कंफर्म इट ओवर एन यस सर हां जी यस सर यही है एन माइनस यही है हां यही है यस सर बेटा देखो ये तो हो गया कि अंदर वाला और बाहर वाले एंगल का सम 180 है ठीक है अब इंटीरियर एंगल निकालने के लिए दो तरीके हैं या तो आप हमें ये निकालना है ईच इंटीरियर एंगल अंदर वाला ईच एंगल या तो आप एक्सटीरियर एंगल निकालो फिर उसको 180 में से माइनस कर दो आपके पास आ जाएगा ईच इंटीरियर एंगल समझ आ रही है मेरी बात आपके पास सेवन साइडेड फिगर है ठीक है आपने निकाला एक्सटीरियर एंगल कितना आया 360/7 51.42 अप्रोक्सीमेट अब एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर होता है 180 इंटीरियर निकालने के लिए एक्सटीरियर को 180 में से क्या करोगे माइनस एक तो ये तरीका है दूसरा क्या है ईच इंटीरियर एंगल इज एन माइनस टू इंटू 180 ओवर एन सो दीज आर द फॉर्मूलाज विच यू हैव टू रिमेंबर ठीक है बेटा याद रहेंगे समझ आ रहा है प्रेशराइज तो नहीं फील कर रहे बहुत ज्यादा गर्मी है तुम तो बैठे हो मैं तो खड़े होकर बोल रही हूँ कोई गर्मी नहीं है गर्मी इज इन अवर माइंड बॉडी वैसे अडेप्ट हो जाती है तुम्हें क्या लगता है हम बिना एसी के रहते हैं घर में नहीं ना तो कोई बात नहीं इतने साल हो गए इसी स्कूल में पढ़ रहे हो अब तुम्हारी आदतें बिगड़ गई हैं कुछ नहीं होता सो नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक सो वी हैव रिवाइज ऑलमोस्ट ऑल द फॉर्मूलास ठीक है प्लीज लर्न इट आफ्टर दैट बेटा आपके पास क्या है एक्स निकालना है एवरीवन पेज नंबर 42 निकालिए फर्स्ट पार्ट इज वेरी इजी यस और नो चारों एंगल्स का सम कितना है 360 करिए अब ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा आप कर रहे हो और अगर आप नहीं करना चाहते इट्स ऑल अपॉन यू व्हाट यू वांट फॉर यू सो फर्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू मेक द फिगर स्टार्ट मेकिंग फाइंड एक्स करते जाओ बेटा एंड प्लीज डू इट योरसेल्फ गलत होगा कोई बात नहीं मैंने करवानी है फिर आप देख लेना आपकी गलती कहाँ है यूज योर ब्रेन डू इट योर सेल्फ प्लीज डोंट चीट चीटिंग से कोई फायदा नहीं है घर पे बैठे हो गलती हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा कोई बात नहीं चलिए डू ऑल द फोर पार्ट्स आफ्टर 2-3 मिनट्स आई विल डिस्कस